शामली के कराना में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मुकीम काला गैंग के 1 लाख के इनामी बदमाश साबिर को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर भगत सिंह और सिपाही अंकित भी गोली लगने से घायल हो गए। सिपाही अंकित की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उन्हें नोएडा के फोर्टिस के लिए रेफर किया गया है और इंस्पेक्टर भगत का मेरठ में आनंद अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए फुरकान जंग की रिपोर्ट। काशीपुर में आज बीजेपी द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और पार्टी के प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट द्वारा बैठक में उपस्थित पार्टी के पदाधिकारियों को जहां आगामी निकाय चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और पार्टी का परचम फहराने के लिए ऊर्जावान किया गया, तो वहीं पार्टी द्वारा आजीवन सहयोग निधि के तहत जनपद उधम सिंह नगर को 7 करोड़ का लक्ष्य दिया गया। आज यहाँ पर हम लोगों ने अपनी पार्टी को चलाने के लिए आजीवन सहयोग निधि जो मदद लेते थे उसको आम जनता से ले जाकर कैसे मदद ली जाए, इस नाते से बैठक की है। हमारी सरकार उसको रखेगी, मुझे ऐसा लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं रखेंगे नहीं कहा। जब लोकायुक्त का कार्यालय है, इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, तमाम यहाँ पर बैठे हैं, नहीं का सवाल नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि लोकायुक्त लाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हम गलत काम करेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा हम गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, हम नहीं लाएंगे, उन्होंने कतई नहीं लाएंगे नहीं कहा। उन्होंने कहा वैसे हमारा तो मानना यह है कि अगर अच्छे काम करेंगे तो लोकायुक्त की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बहुत सी में, वो एक जुमला था। सहारनपुर के तीतरों में 6 दिन पूर्व तीतरो नगर पंचायत के द्वारा टंकी की लीकेज को सही करने के लिए 6 फुट गड्ढा खोदा गया था, जिसको अभी तक बंद नहीं किया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो गड्ढा बिल्कुल मेन रोड के नजदीक है, जिसके कारण रात या दिन में कोई भी हादसा हो सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले हुए नगर पंचायत चुनाव में बड़े बड़े वादे करने वाले चेयरमैन मनोज कुमार के कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक सवाल यह भी बनता है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तीतरों से सलमान खान की रिपोर्ट। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध व कानून व्यवस्था उत्तराखंड की अध्यक्षता में सिटी बसों और विक्रमों में महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने और मंचलों पर कार्यवाही करने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वहीं सिटी बसों और विक्रमों में 4-5 स्थानों पर पुलिस कंट्रोल रूम, महिला हेल्पलाइन, क्षेत्राधिकारी यातायात, पुलिस अधीक्षक यातायात, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून का दूरभाष नंबर चस्पा किए जाएंगे, इससे महिलाएं आवश्यकता अनुसार संबंधी से संपर्क कर सके। सिटी पेट्रोल यूनिट द्वारा समय समय पर बसों एवं विक्रमों को चेक किया जाएगा तथा महिलाओं से उनकी यात्रा अनुभव की जानकारी लेते हुए मंचलों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।